सर, मेरे कॉलेज में एक अतिथि विद्वान है रविंद्र सिंह सोलंकी। वो मुझे 3-4 महीने से बहुत मानसिक प्रताड़ित कर रहा है। मेरे साथ आए दिन छेड़छाड़ करता है, अश्लील हरकतें कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। फिर क्या है कि मेरे को उसने रूम में जो है अकेला पाकर मेरे साथ कई बार हरकतें भी की हैं। और इसके बाद मैंने जब उसका विरोध किया तब उसने मेरे को जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया, संविधान के बारे में भी अपशब्द कहे, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में भी उसने अपशब्द कहे कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे तुम किसी के भी पास चले जाओ। महोदय को मैं कई बार इसकी मौखिक शिकायत कर चुकी हूँ कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही हैं, पर उन्होंने कहा कि मैडम ये कॉलेज की और आपकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए मामला जो है बातचीत तक हम सीमित रखें तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या इस मामले को लेकर आपने ऊपर किसी शिकायत की? ऊपर जी मैंने अभी जब अति ही हो गई है, उसने अपनी हरकतें सारी पारी कर दी है, तो मैंने SP साहब को आवेदन दिया है। उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे FIR करने के, पर मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं सर, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी यहाँ तक कि FIR लिखी नहीं रहे और मेरे पे दबाव बना रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ गए, कॉलेज में भी लोग आकर के मेरे पे दबाव बना रहे हैं कि FIR ना लिखूँ। हाँ, जिस दिन मैं FIR दर्ज करने गई थी उस दिन भी उस इंसान का यही कहना पड़ रहा है कि वो क्या कर लेगी, मेरी FIR करेगी तो क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यहाँ से वहाँ तक सारे सब मेरी मिली भगत है, मैं तो टुकड़े फेंकता हूँ तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सहयोगी के साथ उसने मिली भगत करके मुझे सामूहिक दुष्कर्म करने और मरवा के फेंक देने की बात सामने आई है, और उसने मुझे ठिकाने लगाने की बात भी कही। ये धमकी तो मुझे कॉलेज में कई बार अकेले होने पे वो दे चुका है कि जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें करवा सकता हूँ। सर, मैं इतनी डरी सहमी हूँ कि मेरे साथ ये कुछ भी करवा सकता है, मैं इसीलिए FIR करवाने के लिए बार बार थाने के चक्कर लगा रही हूँ। जो है कि हमारे बहन के साथ में कुछ प्रिंसिपल लोग, कुछ स्टाफ के लोग कर्म ये गलत हरकत कर रहे हैं, उनको छेड़खानी कर रहे हैं। तो मैडम ने हमें बताया कि हमारे साथ में ये इतने दिन से 2-3 महीने से पहले से कर रहा है, तो आज मामला कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो इसके चक्कर में हम आए और हम FIR कराने आए कि और हमारी बहन को न्याय मिले, इस उद्देश्य से हम आए। और जब तक FIR नहीं होगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, और नहीं तो रोड जाम करेंगे हम। मैडम ने प्रदेश सार को SP साहब को आवेदन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। हम जब तक FIR नहीं होगी जब तक हम हिलेंगे नहीं, और हमारी बहन को न्याय चाहिए बस, ये जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और पूरी टीम अभी तो संख्या बढ़ रही है, अभी तो हम आए हैं लेकिन अभी हमारा फ़ोन चल रहा है, यहाँ पर पूरा रोड जाम होगा, थाना का घेराव किया जाएगा। यहाँ से सुनवाई नहीं होगी तो हम SP साहब को घेराव करेंगे। परसों वहाँ गए थे, SP साहब से मिले थे, वहाँ बातचीत हुई थी, उन्होंने आवेदन दिया था, वो आवेदन हमारे पास कल आया है। उस पर से हमने उनको कल बुलाया था, स्टेटमेंट वगैरह लिए हैं, उसमें विभाग से भी लिखित में लिया है भाई शासकीय महाविद्यालय में दोनों कर्मचारी है, तो उसकी जांच पर से भी सेंटेंस में लिखा है कि मुझसे छेड़खानी एवं जातिगत भेदभाव एवं जान से मारने की धोज देने के संबंध में सेंटेंस लाया है। तो इसके स्टेटमेंट लेकर जो भी मामला बनेगा उस तथ्य से प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें आगे विवेचना की जाएगी, मामला न्यायालय में भेजा जाएगा।